कई नेताओं के साथ मिलकर कांग्रेस ने जारी किया घोषणा पत्र। बता दें कि कर्नाटक विधानसभा चुनाव के लिए कांग्रेस ने आज अपना घोषणा पत्र जारी किया। इसमें कांग्रेस ने सत्ता में आने पर बजरंग दल और पॉपुलर फ्रंट ऑफ पार्टी PFI जैसे संगठनों पर बैन का वादा किया है। दिलचस्प यह है कि कट्टरपंथी इस्लामी संगठन PFI पर केंद्र की मोदी सरकार पहले ही प्रतिबंध लगा चुकी है। ऐसे में बजरंग दल पर प्रतिबंध का वादा कांग्रेस की उस रणनीति का हिस्सा माना जा रहा है जिसके तहत कभी भगवा आतंकवाद गढ़ा गया था। घोषणा पत्र जारी किए जाने के मौके पर कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, कर्नाटक के पूर्व मंत्री सिद्धौरमैया, DK शिवकुमार जैसे पार्टी नेता मौजूद थे। घोषणा पत्र में 5 प्रमुख गारंटी का जिक्र करते हुए बजरंग दल, PFI और ऐसे अन्य संगठनों का प्रतिबंध बात कही गई है। इसमें कहा गया है कि ये कानून और संविधान का उल्लंघन करते हैं और समुदायों के बीच दुश्मनी और नफरत को बढ़ावा देते हैं। कांग्रेस जाति और धर्म के आधार पर समुदायों के खिलाफ नफरत फैलाने वाले व्यक्तियों और संगठनों के खिलाफ कड़ी और निर्णायक कार्रवाई करने के लिए प्रतिबद्ध है। कांग्रेस ने घोषणा पत्र में कहा गया है कि हम मानते हैं कि कानून और संविधान पवित्र है। बजरंग दल, PFI जैसे व्यक्तियों के जरिए बहुसंख्यक या अल्पसंख्यक समुदायों के बीच शत्रुता या घृणा को बढ़ावा देने वाले अन्य लोगों की तरफ से इसका उल्लंघन नहीं किया जा सकता है। BJP ने कांग्रेस के घोषणा पत्र को कट्टरपंथी मुसलमानों का मैनिफेस्टो करार दिया है। कहा है कि कांग्रेस जिन्ना से भी नीचे गिर चुकी है। तो इसको लेकर आपके मन में क्या सवाल है, नीचे कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताएं। और आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर सकते हैं।